शिवराज बीडी भूपेंद्र सिंह पर मानहानि का केस, एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा मुकदमा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विवेक तनखा ने किया था 10 करोड़ की मानहानि का दावा। जबलपुर में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एमपी एमएलए जज विशेश्वरी मिश्रा की कोर्ट में इन तीनों के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा पेश किया था, जिस पर शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी के बयान दर्ज होने के बाद यह एक्शन लिया है। बता दें कि भाजपा नेताओं ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिए हैं, जिससे आहत होकर विवेक तनखा ने परिवार दायर किया था। अब तीनों नेताओं पर मानहानि की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलेगा। इस मामले में दर्ज किया गया है केस। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस दौरान विवेक तनखा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव में रोटेशन और परिसीमन को लेकर पैरवी की थी। विवेक तनखा को ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी। विवेक तनखा ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन तीनों नेताओं ने माफी नहीं मांगी, जिसके बाद विवेक तनखा ने कोर्ट में उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि केस दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर ने ये मुकदमा दर्ज किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।